सुबह 3 बजे सिविल हॉस्पिटल धर्मपुर में पहुंचकर 3-4 लोगों ने वहां पर कार्यरत चिकित्सक, स्टाफ नर्स और क्लास 4 को भद्दी गालियां दी और मारने की कोशिश की और अस्पताल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की, जो कि बहुत निंदनीय है। महामारी के इस काल के अंदर इस तरह की घटनाएं मानवता को केवल शर्मिंदा करती हैं, बल्कि इस महामारी से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के मनोबल को भी गिराती हैं। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार से हमने पहले भी हजारों बार करबद्ध प्रार्थना की थी कि कम से कम सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल के स्तर तक सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की जाए और साथ में सीसीटीवी कैमरा हूटर्स के साथ स्थापित किए जाएं, लेकिन सरकार हर बार इस पर कोताही बरत रही है और इस तरह के इक्का दुक्का अराजक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर 9-2-11 हो जाते हैं और देखने में आया है कि उसके बाद उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ऐसे माहौल में काम करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस अस्पताल में मौजूद डॉक्टर द्वारा इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। मैं डॉक्टर गौरव कुमार, MOCH धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी, सिस्टर पुनीता, क्लास 4 रणसिंह। हम ड्यूटी पे थे रात को, इमरजेंसी ड्यूटी। रात को एक मरीज आया जिसने अपना नाम कुलदीप, उम्र 29 साल, अपने मदर फादर के साथ आया और एक लड़का था उसके साथ में। हमने उसकी स्लिप बनाई, मैंने उसको देखा, हिस्ट्री ऑफ ऑल थी, लेसर ट्रीटमेंट था लिप्स के ऊपर, नीचे वाले लिप्स पे। मैंने ड्रेसिंग और सूचरिंग के लिए इंजेक्शन रूम में भेजा। सिस्टर उधर ड्रेसिंग लगाने तो उनको गाड़ियाँ शुरू कर दी थी उसने। सिस्टर मेरे पास आए, सिस्टर ने मुझे बताया, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने उससे जब बात की, गाड़ी शुरू करने लग गया और धमकाने लग गया और मेरी तरफ से झपटा मारा गले से पकड़ने के लिए। जैसे मैं पीछे हटा, मैं बाहर निकल आ गया और मैं उसके अटेंडेंट को समझाया, वो जो समझने को तैयार नहीं थे अटेंडेंट, कि वो अपने काम कराने जाते थे। मैंने बोला कि रात के 3 बजे इस हिसाब से बदतमीजी करेंगे तो कौन आपका काम करेगा। तो सिस्टर को भी गाने लग गया, नरेंद्र मार सिस्टर को मारने लग गया, तो सिस्टर भी भाग गया बाहर की तरफ और मैं अपने ड्यूटी रूम की तरफ भाग गया। और उसने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी, ये देखो कुर्सी जो यहाँ गिरी है उसने, और यहाँ जो मूर्ति थी राधा कृष्णा की वो भी तोड़ दी है। फिर यहाँ थी उसने काफी देर गाड़ी रोकी, मैं ऊपर गया, मैं पुलिस को कॉल किया, पुलिस के कॉल लग नहीं रहे थे, नंबर बेजार थे, लेकिन उसने उसकी अपने फादर साथ चढ़ पड़ी, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारी। उसके फादर ने उसको बहुत कंट्रोल किया, जिसकी वजह से वो एक वजह थी जिसकी वजह से हम बचे। वो पूरे हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जान से मारने के लिए जो सीढ़ी है ऊपर की तरफ लीडर रूम की तरफ भाग रहा था, और सिस्टर की तरफ, और सिस्टर को भी उसने बहुत गालियां दी हैं। और हम उसके बाद काम करने से भी डर रहे हैं, पहले भी यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है इस हॉस्पिटल में। यहाँ के लोग यही शराब पी के रोज 4-5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद हॉस्पिटल में आते हैं, आधी रात को आते हैं और अपने अपने काम काम के चक्कर में अपने काम निपटाते हैं, हमें गाड़ी क्लोज करते हैं। पर इस सारा इंसिडेंस का भी पहले नहीं हुआ, और मैंने मेरे को भी 2-2.5 साल हो गए हैं मेरे साथ यहाँ, आज तक 15-20 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। और यहाँ तो ऐसा लगता है कि हम एक नौकर हैं और जो इनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे, जैसे भी बदतमीजी करेंगे वैसे सहते रहेंगे। काइंडली इस मैटर को जैसे भी लगे वैसे सॉल्व किया जाए, ताकि यहाँ कोई और स्टाफ, जैसे स्टाफ वाले भी काम अच्छे से करें, डॉक्टर भी आए, सिक्योरिटी हो सके तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बाकी इससे हमें डर हो गया है, और ये उस टाइम अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में भी नहीं था, इसने जैसे सब्सटेंस अब्यूज वगैरह करते हैं लड़के, उस तरह का प्रतीत हो रहा था।